कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं उत्तराखंड के सह प्रभारी राजेश धर्माणी ने हिमाचल प्रदेश में पार्टी में प्रधान हटाओ प्रधान बनाओ की राजनीति में उलझी कांग्रेस को एकजुट होकर लोकसभा चुनावों के लिए विपक्षी दल का डटकर मुकाबला करने की रणनीति तैयार करने की सलाह दी। ये सलाह एक राष्ट्रीय सचिव के नाते नहीं बल्कि एक आम कार्यकर्ता के नाते दी। धर्माणी का मानना है कि ये समय आपस में उलझने का नहीं बल्कि कमरतोड़ महंगाई सहित अन्य ज्वलंत मुद्दों पर फोकस करने का है। बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में राजेश धर्माणी ने बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लटकने पर न केवल रोष व्यक्त किया बल्कि केंद्र व राज्य सरकारों की सुस्ती पर जोरदार हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि पिछले लंबे समय से कीर्तपुर नीरचौक फोरलाइन का कार्य लटका हुआ है, कंपनी काम छोड़ चली गई है और केंद्र की मोदी सरकार का इस ओर जरा भी ध्यान नहीं है, जिसके चलते हर माह करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। बेहतर होगा इस कार्य को केंद्र सरकार अपने हाथ में लेकर एक निश्चित अवधि में अंदर पूरा करे। यदि जल्द से जल्द काम शुरू ना हुआ तो कांग्रेस एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने के लिए विवश होगी। एम्स के निर्माण कार्य में सुस्ती को लेकर उन्होंने मोदी सरकार की घेराबंदी की और कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को नसीहत दी कि वे राजनीतिक बातें छोड़ जनहित को ध्यान में रखते हुए धरातल पर उतरकर व्यवहारिकता अपनाएं और एम्स का कार्य शुरू करवाने में दिलचस्पी दिखाएं। बेहतर होगा कि एम्स का काम पूरा होने तक किसी किराए के भवन में ओपीडी शुरू करवाकर जनता को सुविधा प्रदान करवाई जाए। राजेश धर्माणी ने बंदलाधार पर बनने जा रहे देश के दूसरे हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की कक्षाएं बिलासपुर शिफ्ट किए जाने को लेकर भी आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि जब बिलासपुर में तमाम सुविधाएं उपलब्ध है तो फिर सरकार विशेषकर यहां के नुमाइंदे क्यों नहीं प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड में पार्टी की मजबूती को लेकर किए गए प्रयासों को लेकर किए गए सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि जिस तरह के हालात हिमाचल में है वैसे ही उत्तराखंड के भी हैं। वहां भी महंगाई भ्रष्टाचार सहित अन्य ज्वलंत मसलों को लेकर भाजपा की जबरदस्त खिलाफत हो रही है। उन्होंने दावा किया है कि हिमाचल और उत्तराखंड में इस बार होने जा रहे लोकसभा चुनावों में भाजपा का सफाया हो जाएगा और सभी सीटें कांग्रेस की झोली में होंगी। हिमाचल की चारों सीटों पर भी कांग्रेस परचम लहराएगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड दौरे में उन्होंने पार्टी के अंदर जोश भरा है और जीत का मंत्र भी दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वहां पार्टी और अधिक सशक्त बनकर उभरेगी। इसके साथ ही हिमालय क्षेत्र को बचाने के लिए उन्होंने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के समय बनी पॉलिसी को अपनाने पर भी बल दिया। सांसद महोदय की कार्यप्रणाली तो नित्य दिन अखबारों में छपती है, लेकिन जिला बिलासपुर में तो जैसा मैंने पहले कहा कि जो परियोजनाएं स्वीकृत थी, है ना, हमारा अपीटा का जो है कोल्ड स्टोर और पैक हाउस बना रहे हैं उस पर आज दिन तक उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। रीजनल सेरिकल्चर रिसर्च स्टेशन अनंत शर्मा जी ने खुलवाया था, उसको छोटा उसका साइज कर दिया, आरईसी का उसका दर्जा दे दिया, जबकि आरएसआर से बड़ा एक स्थान होता है रिसर्च स्टेशन, और उस पर उनका कोई बयान नहीं आया। घुमारवीं में हमारे केंद्रीय विद्यालय खोला है, उसके लिए कोई धन उपलब्ध नहीं कराया गया जिसे उसका बिल्डिंग का वहां पे कम्प्लेक्स बनाया जा सकता। हमारे यहाँ हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, उसके बारे में बड़ी राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की गई, उसकी तरफ कोई प्रयास नहीं हो रहा है। और एम्स को लेकर तो बहुत ही, मतलब मैं समझता हूं क्योंकि केंद्रीय मंत्री हमारे जिला से है, यहां पे डेंगू का इतना बड़ा प्रकोप हुआ है, पहली बार हुआ है ना, उसकी तरफ कोई गंभीर प्रयास जो है वो ना तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की तरफ से हुआ ना प्रदेश और केंद्र सरकार की तरफ से हुआ है ना। और मुझे जैसा जानकारी मिली है कि डेंगू जो सेकेंड ईयर है इसका उसमें बहुत खतरनाक होता है, फर्स्ट जो भी सब इसमें नहीं इतना खतरनाक होता है, लेकिन सेकंड स्टेज में तो बहुत खतरनाक है। इसकी तरफ स्वास्थ्य मंत्री जी की तरफ से कोई मतलब प्रयास नहीं किए, बड़ा दुखदायी है। दो मृत्यु भी हो चुकी है और कहीं ऐसा ना हो कि अगले साल के महामारी की तरह जो है वो फैलना शुरू हो जाए। यहाँ पे गतिविधियां करवाई जाएंगी क्या? पार्टी तो पहले से ही इसमें काम पे लगी है, जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं, सम्मेलन हो रहे हैं कार्यकर्ताओं के, और जहां धरना प्रदर्शन करने की जरूरत है वो हो रहा है। और जो मोदी जी ने जो वायदे 2014 के चुनावों के समय में किए थे उनको जनता के सामने ला रहे हैं, क्योंकि एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ। महंगाई खत्म करने की बात कही थी, लेकिन आज तो महंगाई पहले से चार गुना ज्यादा बढ़ गई और लोगों के साथ पूरी तरह से आज भी वही छलावा जो है 2014 का जो है रचने की कोशिश कर रहे हैं। आज हैरानी की बात है कि मोदी जी 2000
19 की बात नहीं कर रहे हैं या अपने जो 2014 से 19 तक की उपलब्धियां उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अब 2022 के सपने दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो यूनाइटेड नेशंस ने जो अपने डेवलपमेंटल गोल्स जो फिक्स किए हैं पूरे दुनिया के लिए, उसमें क्योंकि इंडिया भी उसमें एक महत्वपूर्ण जो है वो मेंबर है, तो उसका क्रेडिट लेने के उद्देश्य से कि वो गोल अचीव हो जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये एजेंडा है तो वो अचीव हो जाएंगे, तो उसको हम अपनी पार्टी की और सरकार की जो है उपलब्धि बता देंगे। तो इस तरह की चलाकी जो है अपने लोगों के साथ करेंगे, अपने देशवासियों के साथ करेंगे, तो मैं समझता हूं इससे बड़ा धोखा कुछ नहीं हो सकता। और नित नए भाषण, नित नए वायदे, नित नए जुमले जो है, यही मोदी जी की सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं। एक भी उपलब्धि उनके नाम से नहीं।